अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? वेलकम है आप सभी का फरवा ब्लॉग्स में। तो आज हम लोग बना रहे हैं पर्दे वाली बिरयानी। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग बनी थी। अच्छी तरीके गोश्त वगैरह सब गल गया था। तो अभी जो है नानी के वहाँ है, तो नानी बना रहे तो टेस्टी तो होएगी, बिकॉज नानी के हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बिना देर करे। फटाफट से आपको मैं बताती हूँ रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मैदा। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, मतलब आप लोग का जितना बड़ा परिवार है, मतलब लाइक जो जितना ज़्यादा आप आटा लोगे उतना बड़ा आपको पैन लेना पड़ेगा। पैन की भी समस्या आ जाएगी, तो ज़्यादा बड़ा ना बनाकर छोटा सी हम लोगों ने बनाया था, आधे किलो का। आधा किलो चिकन, आधा किलो चावल। तो अब हम जो है मैदे में नमक ऐड करेंगे आधा चम्मच, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। फिर हम आधा चम्मच तेल ऐड करेंगे और ये जो दही का एक पाउच आता है वो पूरा ऐड करेंगे। अब जो है हम लोग इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। ये देखिए, अच्छी तरीके से हम लोग इसका डो बना लेंगे पानी डाल के, जैसे नॉर्मल डो बनता है। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पहली बार सुनाई में आ रही है तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई नई रेसिपीज़ लाऊंगी इंशाल्लाह। तो हमने यहाँ पर आधा किलो चावल लिया है, उसे 2 घंटा सोक करने रखेंगे। फिर हमने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है, सीने का गोश्त लेना है। अब हम जो है यहाँ पर कुछ मसाले ले रहे हैं, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच इलायची पाउडर, आधा चम्मच जायफल का पाउडर, 2 तेज़पत्ता, 7 से 8 काले मिर्च, 1 बादियान का फूल, 1 चम्मच जीरा विद थोड़ी सी मेथी, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग, 5 से 6 छोटी इलायची यानी हरी इलायची, 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के। अब जो है चलिए चिकन मैरिनेट करते हैं। ये हमने जो है बिरिस्ता बनाया था वो हम जो है चिकन में ऐड कर देंगे। तो आप लोग बोलेंगे इससे पहले का प्रोसेस, यस है, अभी रुको। सो यहाँ पर जो है अब हम ऐड करें धनिया, आधा नींबू, और आधा नींबू हमने रख दिया है चावल को उबालने के टाइम हम उसे डालेंगे। तो चलिए अब हम जो है रेसिपी बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए नींबू, आधा पूरा नींबू डाल दिया था हमने। अब हम जो है मैं आपको बताती हूँ मेन रेसिपी। सारे जो सूखे मसाले थे हमें उसमें ऐड कर देने हैं। ये देखें चिकन में, अब हम जो है उसमें सारे जो गरम मसाले हैं वो भी ऐड कर देंगे। अब हम जो है उसमें ऐड करेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। हमने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है। अब जो है हम लोग इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 2 बड़े टमाटर थे उसको इस तरीके से बारीक चॉप कर लेना है। अब हम जो है वापस दही डालेंगे, आधा पैकेट दही है ये। अब हम जो है इसमें ऐड करेंगे मिर्ची और इसे फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चिकन में जो है ज़रा भी पानी नहीं लगता, ये पूरी रेसिपी में चावल के अलावा और कहीं पानी नहीं लगता है। ये खुद ही से जो है चिकन में पानी छोड़ता है एंड ये मतलब पक जाता है। फिर यहाँ पर ये देखिए हमने ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इग्नोर द वीडियो क्वालिटी जस्ट बिकॉज 2 मोबाइल से शूट की गई थी वीडियो। तो फटाफट से जो है हम लोग अब जो है बिरिस्ता जो हमने थोड़ा सा उसमें तेल में छोड़ दिया था, अब जो है हम लोग उसमें ऐड कर देंगे चिकन हमारा। ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स, जस्ट बिकॉज ऊपर नीचे आके पीछे हर जगह से अच्छी तरीके से पक जाए। सो दैट्स द रीज़न कि हमारा जो है चिकन पक जाता है, हम लोग इसे ढाक देते हैं। तो हम इसे ढाक देंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर चावल के लिए पानी बॉईल किया था, उसमें ऐड करेंगे नींबू, आधा नींबू जो हमने रख दिया था वो। फिर उसके बाद जो है हम लोग इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, 7 से 8 लौंग, 3 से 4 छोटे इलायची, 1 जायफल, 1 चम्मच जीरा। अब जो है हम लोग इसे कर देंगे अच्छी तरीके से मिक्स और उबाल लेंगे। अब हम उसमें ऐड कर देंगे तेल, उबले हुए पानी में हमने ये सारे मसाले ऐड किए, कोथमीर भी हमने ऐड कर दिए। अब हम जो है चलिए चावल देखते हैं। चावल इस जो है सोक करके हमने रखा था,
उसे हम ऐड कर देंगे हमारे बॉइल वाटर में, ताकि हमारे चावल जो है अच्छी तरीके से मिक्स पक जाए। सो अभी जो है हम चिकन को थोड़ी देर खुला पकाएंगे, थोड़ी देर अभी ढक्कन डाल देंगे। हम चावल में नमक ऐड करेंगे एक चम्मच। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो हमने डो रखा था, इसको पूरे को हमें बेलना है। और एक पैन जिसमें आप बनाने वाले हो, बड़ा ही पैन होना चाहिए। मेक श्योर आपका पैन बहुत ज़्यादा, मतलब छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा पैन लिए। फिर उसके बाद जो है पूरे डो को एक साथ रख के हमें बेल लेना है, खूब बड़ा सा एकदम मस्त हमें डो बेल लेना है। ये देखिए अब हम जो है उसे पैन पे बिछा देंगे। अब हम जो है उसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने बॉईल करे थे, उसका सारा पानी निथार कर हम लोग जो है इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ये जो है एक ही परत की बिरयानी बनती है, और ये ज़्यादा बड़े पैन में ही बनती है। मैं आप लोगों को बार बार ये बात कह रही हूँ कि ये बड़े पैन लीजिए इसके लिए, जस्ट बिकॉज छोटा पैन नहीं चलेगा, तो आपको पलटने में दिक्कत होगी। और छोटा पैन लोगे अगर आपकी बड़ी फैमिली है सो वो आएगा भी नहीं। मेक श्योर ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाना चाहिए अंडर द फ्राई पैन। ये देखिए सारा चावल जो है अंडर द फ्राई पैन है। अब हम जो है इसमें ऐड कर देंगे चिकन जो हमने बॉईल करके, मतलब पका के रखा हुआ था। ये देखिए इतना टेम्पटिंग सा चिकन बना है बिना पानी के, इसमें ज़रा भी हमने पानी का यूज़ नहीं किया है सिवाय चावल उबालने के और चावल सोख करने के। तो अच्छी तरीके से हम लोग जो है इसकी परत बिछा लेंगे चिकन की, फिर देन चावल की एक और परत। अगर आप लोगों को और अच्छी रेसिपीज़ देखनी है न्यू तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये रेसिपीज़ ज़रूर लाएंगे। एंड सॉरी फॉर दिस के वीडियो लेट आ रही है मेरे, मैं जो है 10th में हूँ तो पढ़ाई प्रेशर ज़्यादा हो गया है। तो अभी जो है हम लोग इसमें चावल की परत बिछाएंगे, और मेक श्योर आपका चिकन भी अंडर द पैन होना चाहिए। तेज़पत्ता नानी ने यहाँ से निकाल लिया। एंड जो है अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, सारे चावल ख़त्म कर देने हैं। सो अच्छी तरीके से इस चावल को ऐड करके हम जो है अब पर्दा डालेंगे बिरयानी पे। तो दैट्स द रीज़न के इसको बोलते हैं पर्दे वाली बिरयानी। तो सारा एक साथ एक जगह जमा करके उसको मिक्स कर देना है, देन जो है इसको रखना है पैन पे हमारे। और ये देखिए हमने इसे दूसरे पैन में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज हमारा पैन छोटा था। सो ये देखिए दोनों साइड से हमने पका लिया है एंड आवर पर्दे वाली बिरयानी इज़ रेडी। तो चलिए इसे कट करते हैं। हाउ टू कट इट, बीच में से एक खड़ा कट लगाना है देन आड़ा कट लगाना है। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब जो है बिरयानी कट चुकी है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको ओपन करके। दैट्स इट माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी बनी है एंड दिस इज़ परफेक्ट। सो फटाफट से अब हम लोग जैसे सर्व करेंगे एंड हाउ इट्स लुकिंग, बहुत ही टेस्टी बनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी आप लोगों के लिए यूनिक रेसिपीज़ लाऊंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बिरयानी एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।